क्या आप भी अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के सभी एप्लीकेशन को अपने फोन डायलर में कैसे हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहाँ पर इस प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऐप लॉक का ऑप्शन मिल रहा है। सबके मोबाइल की सेटिंग अलग अलग होती है। आपको अगर इस तरीके से यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ पर आप बाहर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो सिंपली इस सर्च बार पर यहाँ पर आप टाइप करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप लॉक, लिखकर यहाँ पर जितना सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऐप लॉक सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐप लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। चलिए हमें यहीं से मिल जाता है तो हम अपनी सेटिंग से ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग से इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेट इस प्राइवेसी पासवर्ड यूज ऐप लॉक। तो आपको यहाँ पर सेट इस पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में जो इस समय पासवर्ड यूज कर रहे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। जितना आप यहाँ पर उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई करने को एक बार फिर से आएगा तो आप फिर एक बार यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ओके हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज देयर नेम ऑन यू, तो यहाँ पर आपको कुछ भी डाल देना है अपना नाम अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नाम डाल दे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा सेलेक्ट ऐप टू बी यू लॉकेट। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आप कौन कौन से ऐप्स को यहाँ पर लॉक करना चाहते हैं, उन्हें सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने व्हाट्सअप, फेसबुक, फोटोज और मैसेज और डायलर कॉन्टेक्ट को यहाँ पर हमने ऐड किया है। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डेली हंट को जब मैंने क्लिक किया, ड्राइव को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं जिन पर मतलब जो चीज़ें आपको छुपानी है जिन एप्लीकेशन को, उन्हें यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉक 7 लिखा है, यहाँ पर मैंने 7 एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर सिंपली लॉक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड द फेस रिकॉर्डिंग। क्या पूछ रहे हैं कि आप अपने पासवर्ड के साथ साथ अपने फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी यूज करना चाहते हैं? तो हाँ, यहाँ पर मैं यूज पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से एप्लीकेशन को हाइड किया था, जहाँ पर देखिए लॉक का आपको निशान दिख रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पर लॉक के ऑप्शन पर यहाँ आपको सभी लॉक का निशान दिख रहा है, तो सिंपली आपको उन्हीं पर यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हम डेली हंट के ऑप्शन पर ऐप्स पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐप लॉक है, ये ऐप लॉक हो चुका है। जो मैंने पासवर्ड डाला वही पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन को हम लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हाइड करना है तो यहाँ पर देखिए लिखा है हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन। सिंपली इसे यहाँ पर क्लिक कर इनेबल करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है सेट एक्सेस कोड। हमें इसी एप्लीकेशन को जो हाइड करेंगे उन्हें एक्सेस करने के लिए एक कोड बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सेट एक्सेस कोड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोड बनाने के लिए यहाँ पर हेज और इसके बाद आप कोई भी यहाँ पर अपना डिजिट डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 123 डाल देते हैं, फिर बाद में लास्ट में हैज डाल देते हैं। इसके बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, 4 अंक का बना सकते हैं आप, और उस फर्स्ट में आपको हैज और लास्ट में हैज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम डन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग बता रहा है, तो यहाँ पर कुछ देर आपको वेट करना होगा। 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए वो एप्स का यहाँ पर आई का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हाइड पर। तो सिंपली हम जिन भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं उनका ऐप लॉक यहाँ पर इनेबल ही है, उन्हें हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ड्राइव है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐप हाइड का ऑप्शन है, अब ये हमारा एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। फेसबुक है, फेसबुक को हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। यदि आप किसी नए एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ऐप लॉक के ऑप्शन पर आप इनेबल करेंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पर हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर इनेबल कर देंगे तो वो भी यहाँ पर हाइड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन यहाँ से गायब हो चुके हैं जिन जिनको मैंने यहाँ पर हाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपने डायलर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फेस लॉक यहाँ पर मेरा शो किया, क्योंकि यहाँ पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट को भी मैंने यूज किया था उस समय। तो यहाँ पर आपको एक एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो आपने कोड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर 1 हैज, सबसे पहले हैज 1 2 3 हैज करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो कोड एक्सेस होने के बाद देखिए यहाँ पर हिडन जो ऐप है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए मैंने 5 ऐप को यहाँ पर लॉक करके हाइड किया था, लॉक मैंने ज़्यादा किया था लेकिन हाइड मैंने 5 ही किए, तो वो देखिए इस तरह से शो हो जाएंगे। तो अगर आप उन्हें यहाँ से हटाना भी चाहते हैं तो सिंपली आपको सेटिंग से जाकर वहीं से इन्हें रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली ऐप लॉक यहाँ पर बंद कर देंगे तो ये अब यहाँ से